फिर से जो है आपका अपना चैनल प्रदीप कोचिंग क्लासेज यूट्यूब चैनल पर सबका स्वागत है। आज सिंपल सर्किट अर्थात सरल परिपथ का एक इम्पॉर्टेंट हेडिंग जो माना जाता है, जिसको आप कहते हैं सेल का वैद्युत वाहक बल या इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का आपको परिभाषा बताया जा रहा है। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट माना जाता है। हर दो तीन साल के वर्ग अंतराल पर एक क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है कि सेल का वैद्युत वाहक बल का परिभाषा चाहे पूछते हैं, चाहे मात्रक पूछा जाता है, या बीमा दिया जाता है, या इस पर न्यूमेरिकल दिया जाता है, इसलिए इस पर आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो परिभाषा आपको क्या बताया गया, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि बताया गया एकांक आवेश को सेल सहित पूर्ण परिपथ में, पूर्ण माने होता है पूरा परिपथ में, एकांक आवेश को सेल सहित पूरे परिपथ में सेल द्वारा दी गई ऊर्जा को ही सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं और इसे कैपिटल ई से प्रदर्शित किया जाता है। तो चलिए पहले आप परिभाषा लिख लीजिए। आपको बताया जा रहा बाबू एकांक आवेश को, एकांक आवेश को सेल सहित पूरे परिपथ में एकांक आवेश को सेल सहित पूरे परिपथ में सेल द्वारा दी गई ऊर्जा को सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं बताया गया एकांक आवेश को सेल सहित पूरे परिपथ में सेल द्वारा दी गई ऊर्जा को सेल का वैद्युत वाहक या विद्युत वाहक बल कहते हैं, इसे कैपिटल ई से व्यक्त करते हैं। इसे कैपिटल ई से व्यक्त करते हैं या प्रदर्शित करते हैं। यदि पूरे परिपथ में क्यू आवेश को दी गई ऊर्जा W हो तो सेल का विद्युत वाहक बल आपको इक्वल टू मिल जाएगा W बाई क्यू इन बॉक्स में, यही इसका व्यंजक है। अब यहां से आप हेडिंग डालेंगे मात्रक। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, मात्रक इन ब्रैकेट में यूनिट, ये भी आप लिखेंगे बाबू सूत्र इक्वल टू डब्लू बाई क्यू से। ध्यान देते रहिए, इस अवस्था में आपको मिल जाएगा ई ऑफ यूनिट अर्थात ई का मात्रक इक्वल टू आपको मिलेगा W ऑफ यूनिट अपान मिल जाएगा Q ऑफ यूनिट। इस अवस्था में मिलेगा W ऑफ यूनिट। W क्या है, कार्य, कार्य का मात्रक आप सभी लोग जानते होता है जूल। अपान Q ऑफ यूनिट माने Q का मात्रक सबको पता है कूलाम। इस अवस्था में E ऑफ यूनिट माने E का मात्रक निकल जाएगा जूल प्रति कूलाम। परंतु बताया गया बाबू जूल प्रति
गुलाम को बोल्ट कहते हैं, परंतु जूल प्रति कूलाम को बोल्ट कहते हैं। इस कंडीशन में आपको मिल जाएगा E इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू और मात्रक आपका हो जाएगा बोल्ट। इधर देखिएगा, थोड़ा सा बाबू ध्यान दीजिएगा, बताया गया आपको यदि W बराबर एक जूल और Q बराबर एक कूलाम, W बराबर एक जूल और Q बराबर एक कूलाम हो तो इस अवस्था में E बराबर आपको मिल जाएगा एक जूल बटा एक कूलाम इक्वल टू, एक में एक से भाग करेंगे एक आएगा, और बताया गया जूल प्रति कूलाम को वोल्ट कहते हैं। इस कंडीशन में आपको प्राप्त हो जाएगा E का मान एक वोल्ट। अब यहां से आप हेडिंग डालेंगे बाबू एक वोल्ट, एक वोल्ट, और एक वोल्ट बराबर आपको मिला था एक जूल प्रति एक कूलाम। तो परिभाषा क्या बताया जा रहा है एक वोल्ट का, सेल सहित पूरे परिपथ में यदि सेल सहित पूरे परिपथ में बताया गया बाबू यदि सेल सहित पूरे परिपथ में एक कूलाम आवेश, एक कूलाम आवेश प्रवाहित कराने में एक कूलाम आवेश प्रवाहित कराने में एक जूल ऊर्जा, यदि सेल सहित पूरे परिपथ में एक कूलाम आवेश प्रवाहित कराने में सेल द्वारा एक जूल ऊर्जा व्यय होती है तो सेल का विद्युत वाहक बल एक बोल्ट कहलाता है। बताया गया बाबू एक बोल्ट कहलाता है। अब ध्यान दीजिएगा, अब यहां इसकी बीमा बताई जा रही है, बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। बीमा भी आपको बताएगा सूत्र E इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू से, तो ध्यान देते रहिएगा। इस अवस्था में मिलेगा आपको E की बीमा बराबर हो जाएगा डब्ल्यू बाई क्यू की बीमा, परंतु आप जानते हैं डब्ल्यू बराबर होता है F इंटू डी और F बराबर होता है M इंटू ए और Q बराबर आप सभी लोग जानते होता I इंटू टी। इस अवस्था में E की बीमा क्या होगा, E की बीमा इक्वल टू W के स्थान पे लिखा जा सकता है F इंटू डी अपान Q के स्थान पे हो जाएगा I इंटू टी, परंतु आप F बराबर जानते होता है M इंटू ए इंटू डी अपान इसके स्थान पे I इंटू टी। इस कंडीशन में स्मॉल एम का बीमा सबको पता है कैपिटल एम, ए त्वरण है त्वरण की बीमा सबको पता है एल टी की पावर माइनस टू, डी दूरी है दूरी का बीमा आप सबको पता होता है एल, आई का बीमा होता है कैपिटल ए और स्मॉल टी का बीमा होता है कैपिटल डी। तो ध्यान दीजिएगा इस कंडीशन में ई की बीमा क्या प्राप्त होगा, ई की बीमा इक्वल टू अर्थात सेल के विद्युत वाहक बल की बीमा, E की बीमा इक्वल टू दिया गया एम, एल का एल में गुणा करेंगे तो हो जाएगा एल स्क्वायर, यहां टी की घात प्लस एक ऊपर जाएगा माइनस एक
अर्थात माइनस दो में माइनस एक जोड़ेंगे तो टी की घात माइनस तीन हो जाएगा और ए का घात इधर प्लस एक ऊपर जाएगा माइनस एक, अर्थात इस अवस्था में ए इनवर्स हो जाएगा। सेल के विद्युत वाहक बल की भी मान निकला बाबू एम एल स्क्वायर टी की पावर माइनस थ्री ए इनवर्स।